भीम महासंघ, इसमें 3000 किलो की खिचड़ी पकाई जाएगी। जय भीम दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं बहुजन समाज की अपडेट। दोस्तों जो सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है अभिनेता प्रकाश राज को लेकर। आप लोग प्रकाश राज को तो जानते होंगे, जो काफी सारी हिंदी मूवी, तमिल मूवी और तेलुगु मूवी में काम कर चुके हैं। उनकी हिंदी मूवी की बात करूं तो आप लोगों ने सलमान खान की वॉन्टेड देखी होगी और दबंग 2 भी देखी होगी और सबसे फेमस मूवी सिंघम भी देखी होगी, वो उसमें भी काम कर चुके हैं। दोस्तों आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि प्रकाश अंबेडकर मोदी सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं और मोदी सरकार को हमेशा कटघरे में खड़ा करते रहते हैं। प्रकाश राज जी कहते हैं, मैं हमेशा सच के साथ खड़ा हूँ, इसके लिए भलाई मुझे क्यों ना गवर्नमेंट के खिलाफ जाना पड़े। दोस्तों नए साल के मौके पर प्रकाश राज ने राजनीति में आने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि मैं अगले लोकसभा चुनाव लड़ने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, यानी कि वो किसी पार्टी से नहीं लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव, वो एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे। प्रकाश राज जी ने अपने ट्विटर में ट्वीट करते हुए लिखा है कि आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एक नए साल की शुरुआत और पहले से ज्यादा जिम्मेदारियां। आने वाले वक्त में मैं एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, मैं आने वाले लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। दोस्तों यह बातें प्रकाश राज जी ने अपने ट्विटर हैंडल में लिखी थी। अगली अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों बीजेपी की तरफ से। अब आप लोग जानते ही होंगे कि 2019 का लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक आ चुका है। अब दोस्तों बीजेपी वाले सारे मुद्दे छोड़ के बहुजनों को घेरना शुरू कर दिए हैं। बहुजन समाज को घेरने के लिए बीजेपी ने काफी सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया है। उसमें से एक कार्यक्रम निकल के सामने आ रहा है अभी 6 जनवरी को होने वाला भीम महासंघ। दिल्ली बीजेपी का दलित मोर्चा 6 जनवरी को रामलीला मैदान में भीम महासंघ के नाम से रैली करने जा रहा है। बीजेपी की इस रैली को बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह जी संबोधित करेंगे। ये जो कार्यक्रम होने वाला है रामलीला मैदान में, जिसको नाम दिया गया है भीम महासंघ, इसमें 3000 किलो की खिचड़ी पकाई जाएगी और इसे समरसता खिचड़ी का नाम भी दिया गया है। और दोस्तों इसमें एक और बात निकल के सामने आ रही है, 3 लाख दलितों के घर से दाल चावल जुटाए जाएंगे। दोस्तों ये जो दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली होने वाली है, इस रैली के माध्यम से बीजेपी वाले और अमित शाह जी ये दर्शाना चाहते हैं कि हमारे अंदर कितना कुट कुट के दलित प्रेम भरा हुआ है। हम 3 लाख दलितों के घर से दाल चावल मंगवाते हैं, फिर उसकी खिचड़ी बनवाते हैं, फिर सब मिल बांट के खाते हैं। हालांकि ये बात देखने वाली होगी कि इस खिचड़ी को अमित शाह जी खाते हैं या नहीं खाते हैं, ये तो कार्यक्रम होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों मेरा कहना यह है कि जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस वाले इस समरसता वर्ड का यूज करते हैं, मेरे को ये वर्ड ही अच्छा नहीं लगता, समरसता, क्योंकि हमारे बाबा साहब ने कभी समरसता की बात तो करी नहीं थी। बाबा साहब चाहते थे समानता, इक्वेलिटी। मेरे को समरसता वर्ड तो बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप लोग को भी पसंद नहीं है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग भी समरसता नहीं और समानता चाहते हैं तो ये भी नीचे कमेंट करिएगा। दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप लोगों को डिसाइड करना है, बहुजन समाज के लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोग खिचड़ी खाना चाहते हैं या फिर इस देश में अपना स्वाभिमान और समानता लाना चाहते हैं। दोस्तों अगली बहुत बड़ी अपडेट आ रही है बीएसपी की तरफ से। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने क्या बोलते हैं, किस तरीके से राजस्थान की कांग्रेस सरकार और मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार पे दबाव बनाया था कि 2 अप्रैल के दंगों में जिन भी निर्दोषों के ऊपर केस दर्ज है और बेकसूर लोग जेल में बंद है, उन्हें जल्द से जल्द छोड़ा जाए और उन लोगों से केस हटाए जाए। दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी की ये चेतावनी काम कर गई है। राजस्थान की कांग्रेस गवर्नमेंट ने और मध्य प्रदेश की कांग्रेस गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि 2 अप्रैल की हिंसा में जिन भी बेकसूरों के ऊपर केस दर्ज थे, जिन भी नौजवानों के ऊपर केस दर्ज थे, वो वापस ले लिए जाएंगे दोनों गवर्नमेंट द्वारा। दोस्तों मायावती जी ने कुछ दिन पहले ही दोनों गवर्नमेंट को चेताया था कि अगर उन्होंने 2 अप्रैल की हिंसा के केस वापस नहीं लिए तो वो दोनों सरकारों से अपना समर्थन वापस ले लेगी। और दोस्तों अगर समर्थन वो मध्य प्रदेश से वापस ले लेती मायावती जी तो बहुत बड़ी डिफिकल्टी में आ जाती कांग्रेस सरकार, क्योंकि वहां पर कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था, 2 सीटें कम थी। और दोस्तों आज का बहुजन इतिहास है कि बाबा साहब अंबेडकर ने 1950 में संविधान लिखने के बाद बताया था कि कांग्रेस उनको किस तरीके से संविधान सभा में आने से रोकना चाहती थी। दोस्तों 2 जनवरी का ये इतिहास है, आज के दिन 2 जनवरी 1950 को बाबा साहब अंबेडकर ने ये कहा था। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक मारे कहीं मत जाना।
दोस्तों अगर आप बहुजन समाज से अपडेट रहना चाहते हैं, बहुजन समाज की हर न्यूज पाना चाहते हैं और बहुजन समाज में क्या क्या हो रहा है सब कुछ जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में ही नोटिफिकेशन बेल का ऑप्शन है उसे दबा दीजिए और हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बन जाइए। तो दोस्तों आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।